सच साहस सरोकार। कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव के निधन पर किन किन लोगों ने ट्वीट किया, ये आपको दिखाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने सुप्रसिद्ध हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव को ट्वीट करते हुए लिखा, उन्होंने अपनी अद्भुत प्रतिमा से सभी को प्रभावित किया है। अमित शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा है, उनका निधन कला जगत के लिए एक बड़ी क्षति है, उनके परिजनों व प्रशंसकों के लिए बहुत बड़ी खबर है, ईश्वर उन्हें यह दुख सहने की शक्ति दे, ओम शांति। सुप्रसिद्ध हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव जी का एक विशिष्ट अंदाज था, अमित शाह ने ट्वीट कर कहा है, उन्होंने अपनी अद्भुत प्रतिमा से सभी को प्रभावित किया, उनका निधन कला जगत के लिए एक बड़ी क्षति है, मैं उनके परिजनों व प्रशंसकों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा है, ईश्वर उन्हें यह दुख सहने की शक्ति दे। परिवहन मंत्री ने दयाशंकर सिंह ने कहा, प्रख्यात ईश्वर शोकाकुल परिवारजनों को यह कष्ट सहने की शक्ति प्रदान करें। दयाशंकर सिंह ने ट्वीट किया है, परिवहन मंत्री, यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर ने ट्वीट किया है, राजू श्रीवास्तव के निधन पर दुख जताते हुए ट्वीट किया है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को लेकर ट्वीट किया है, समाजवादी पार्टी के तरफ से भी ट्वीट किया गया है, कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के निधन पर समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी राजू श्रीवास्तव के निधन पर ट्वीट किया है और दुख जताया है। कॉमेडियन किंग के निधन पर सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में अपनी सराहनीय सेवा दिए थे, वे एक अच्छे कलाकार थे, जीवन पर्यंत अपनी पीड़ा को दबाते हुए बिना किसी भेदभाव के सबका मनोरंजन करते रहे। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं। मैं प्रदेशवासियों की ओर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं, शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं, ईश्वर उन्हें सदगति प्रदान करे, यही प्रार्थना करता हूं। कि राजू श्रीवास्तव के निधन पर ब्रजेश पाठक ने भी क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं।
हतप्रभ हैं। जब सदन में इस बात की सूचना मिली तो समस्त विधायकों में शोक की लहर छा गई। बहुत अच्छे अभिनेता थे, हास्य कलाकार थे। उन्होंने कभी भी अपने वीडियोज में और स्टेज शो में गांव गवई भाषा को नहीं भूला। हमेशा उन्नाव, कानपुर, लखनऊ प्रदेश की बात को करते थे। जहां जहां हिंदी है वहां वहां राजीव श्रीवास्तव जी का नाम रहेगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं उन्हें अपने चरणों में स्थान दें और परिवार को, उनके अनुयायियों को, उनके समर्थकों को और जो उनको सुनने वाले, उनके चाहने वाले हैं, उनको इतनी ताकत प्रदान करें कि वो असहनीय पीड़ा को सह सके। बहुत ही दुखद समाचार आज हम सबको सुबह सुबह मिला है। दुनिया को हंसाने वाला राजू श्रीवास्तव अपना भाई, जन जन का चहेता, एक राष्ट्रवादी व्यक्ति, हमेशा दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखने वाला राजू श्रीवास्तव भैया नहीं रहा। मुझे पता है ये समाचार देश में बहुत लोगों को व्यथित करेगा, मगर हम सभी जानते हैं काफी दिनों से वो अस्पताल में जीवन और मौत से जूझ रहे थे। राजू श्रीवास्तव के निधन पर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। ऐसे और ऐसे हुनर के लोग कम पैदा होते हैं। मुझे याद है कि जब वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे और कानपुर से चुनाव लड़ना चाहते थे, बहुत ही साधारण व्यक्तित्व और जमीनी चीजों को पहचानना और समझना। बता दें मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव नहीं रहे, राजू श्रीवास्तव का आज निधन हो गया है। वो 10 अगस्त को कार्डियक अरेस्ट के बाद एम्स में भर्ती कराए गए थे। राजू श्रीवास्तव ने 58 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। बता दें कि जब वो दिल्ली के एक जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे तो उन्हें हार्ट अटैक आया था। वहीं इनकी मौत से पूरे फिल्मी जगत समेत पूरे देश में शोक की लहर है। तमाम बड़े नेता समेत कई लोग उनके निधन पर शोक जता रहे हैं। बता दें कि राजू श्रीवास्तव की पत्नी, बेटा और बेटी दिल्ली एम्स में पहुंच गए हैं। शव मिलने के बाद ही परिवार ये फैसला करेगा कि उनका अंतिम संस्कार कानपुर में किया जाएगा या मुंबई में। फिल्मी जगत के लिए ये बहुत बड़ी क्षति है। बता दें राजू श्रीवास्तव का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में 25 दिसंबर 1963 को हुआ था। बचपन में उनका नाम सत्यप्रकाश श्रीवास्तव था। राजू को बचपन से ही मिमिक्री और कॉमेडी का बहुत शौक था। राजू को कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से पहचान मिली थी। इस शो से मिली सक्सेस के बाद राजू ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। राजू श्रीवास्तव ने 1993 में शिखा श्रीवास्तव से शादी की और उनके दो बच्चे हैं। बता दें राजू श्रीवास्तव ने राजनीति में भी अपना हाथ आजमाया। उन्हें 2014 में कानपुर से लोकसभा चुनाव के लिए सपा से टिकट मिला था, लेकिन उन्होंने बाद में चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। इसके बाद वे चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए। पीएम मोदी ने उन्हें स्वच्छ भारत अभियान में नामांकित किया था। इसके बाद उन्होंने स्वच्छता को लेकर विभिन्न शहरों में चलाए गए अभियानों में भी हिस्सा लिया। राजू श्रीवास्तव को 2019 में यूपी फिल्म विकास परिषद का अध्यक्ष भी बनाया गया था। साथ ही आपको बता दें राजू श्रीवास्तव अपनी फिटनेस का काफी ध्यान रखते थे। राजू जिम में वर्कआउट को मिस नहीं करते थे। वे सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थे और हमेशा फैंस को हंसाना ही उनका मकसद होता था। उन्हें इंस्टा अकाउंट पर कई फनी मजेदार वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी। राजू श्रीवास्तव अब इन्हीं कॉमिक वीडियोस के जरिए फैंस की यादों में बने रहेंगे। राजू अपने पीछे पत्नी और दो बच्चों को छोड़ गए हैं।
राजू श्रीवास्तव की प्रोफेशनल लाइफ के बारे में तो आपको बता दिए, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। वह अपनी पत्नी से बेहद प्यार करते थे और उनकी प्रेम कहानी भी बिल्कुल फिल्मी थी। राजू की पत्नी का नाम शिखा है। इस जोड़े के दो बच्चे अंतरा और आयुष्मान हैं। उनके फैंस को शायद ही यह बात पता होगी कि राजू श्रीवास्तव को शिखा को देखते ही पहली नज़र में प्यार हो गया था, लेकिन राजू को इसके लिए 12 साल का इंतज़ार करना पड़ा। दरअसल राजू ने फतेहपुर में अपने भाई की शादी के दौरान शिखा को पहली बार देखा था और उन्हें दिल दे बैठे थे। तभी उन्होंने फैसला कर लिया था कि शादी करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने खुलासा किया था कि जब उन्हें पता चला कि शिखा उनकी भाभी के चाचा की बेटी है तो उन्होंने अपने भाइयों को मना लिया और इटावा आना शुरू कर दिया। वहां जाने के बाद वह शिखा से कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। इसके बाद वह साल 1982 में अपनी किस्मत आजमाने के लिए मुंबई चले आए और यहाँ काफ़ी संघर्ष भी किया। जीवन में कुछ हासिल करने के बाद उन्होंने शिखा से शादी करने का फैसला किया। वह शिखा को चिट्ठियाँ लिखा करते थे लेकिन अपनी भावनाएं नहीं बयां कर पाए थे। बाद में उन्होंने शिखा के घर शादी का प्रस्ताव भेजा और इस जोड़े ने 17 मई 1993 को शादी कर ली। गौरतलब है कि 10 अगस्त को जिम में वर्कआउट के दौरान राजू को दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर्स की टीम ने हर कोशिश की। कई बार उनकी हालत में सुधार भी देखने को मिला, लेकिन आज वह जिंदगी की जंग हार गए। यह उनके चाहने वालों के लिए बेहद ही दुख की घड़ी है। बता दें, राजू श्रीवास्तव के निधन से पूरे फिल्मी जगत समेत पूरे देश में शोक की लहर है। हर कोई राजू श्रीवास्तव के निधन से गमगीन है। हर किसी की आंखें नम है। हर कोई उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। 58 साल की उम्र में राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया। फिल्मी जगत के लिए ये एक बहुत बड़ी दुख की घड़ी है। बता दें, राजू श्रीवास्तव के निधन पर कई बड़े नेताओं ने भी दुख जताया है, साथ ही अभिनेताओं ने भी दुख जताते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्रीवास्तव के निधन पर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है। साथ ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी दुख जताते हुए ट्वीट किया है। राजू श्रीवास्तव के निधन से हर कोई दुख में नजर आ रहा है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने भी ट्वीट कर दुख जताया है। हर कोई उनकी आत्मा की शांति की दुआ कर रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी दुख जताते हुए ट्वीट किया है। बसपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने भी राजू श्रीवास्तव के निधन पर दुख जताया है और ट्वीट किया।
राजू श्रीवास्तव के निधन से गमगीन है, वहीं समाजवादी पार्टी ने भी ट्वीट कर दुख जताया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर दुख जताया है। हमारे साथ फिल्म डायरेक्टर अनिल बनाली जुड़ चुके हैं। अनिल जी, ये एक बहुत बड़ी क्षति है फिल्मी जगत के लिए, राजू श्रीवास्तव हमारे बीच नहीं रहे। सबसे पहले तो ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे, और कहा जाए तो जो हमारे राजू श्रीवास्तव और उनका जो फेमस नाम था गजोदर भैया, बहुत बड़ा लॉस है हमारे लिए। और ये सिर्फ जो है सो ये नहीं कहा जाए कि कॉमेडी का लॉस है या एक एक्टर या एक जो है सो यूपी के ही लॉस है, ये ओवरऑल जैसे देखे तो पूरे हिंदुस्तान के एक जो परिश्रम करके जो स्ट्रगल करके आगे बढ़ते हैं उनका लॉस है। मैं पर्सनली उनको जानता हूँ, इन्होंने आगे बढ़ के बहुत सारे ऐसे स्ट्रगलर्स की जो है उन्होंने मदद की, जो आज अच्छा कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो है सो ये हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस है और इसकी भरपाई करना मुश्किल है। जब से एक बात और भी मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा कि जब से इन्होंने यूपी फिल्म बंधु का कुर्सी संभाला था तो ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे, बहुत ही एग्रेसिव होके जैसे चीजों को कर रहे थे। अब बहुत सारे जो है सो पॉलिसी मेकिंग चेंजेस किए गए जो आने वाले समय में हमें दिखाई पड़ेंगे और हमारे जो आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा होगा, चाहे वो फिल्म सिटी की स्थापना हो नोएडा के आसपास या बाकी चीजें हों। तो अभी देखते हैं कि बाकी सरकार इसको कैसे क्या करती है, लेकिन जो हमारे गजोदर भैया है उनका जाना वाकई दुखी कर गया और हम सब बहुत दुखी हैं इस चीज को लेकर। जी अनिल जी, गजोदर भैया हर किसी के चहेते थे, आप राजू श्रीवास्तव को कितना पर्सनली जानते थे? देखिए, हमारा तो ये है कि उनसे जो है कई बार मुलाकात हुई, यूपी में भी उनसे मुलाकात हुई, यहाँ जो काम के सिलसिले में भी उनसे कई बार मुलाकात हुई। अनफॉर्चुनेटली हम लोग साथ में काम नहीं कर पाए, लेकिन क्योंकि मैं भी लखनऊ से जुड़ा हूँ और वो भी यूपी के ही हैं, तो हमारी जो है सो अक्सर बातें हुआ करती थी कि क्या होना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और उनका बहुत ही जो है सो ये कहा जाए कि बहुत अप्रोच जो है सो बहुत फ्यूचरिस्टिक हुआ करता था। ये नहीं था कि जो आप पर्दे पे देखते हैं कि वो कॉमेडी करते हैं या हंसते हंसाते हैं, उनका साइंटिफिक अप्रोच था लोगों को इस फिल्म इंडस्ट्री में क्या होना चाहिए, टेलीविजन में कैसे करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये जो है सो काफी आगे हम लोग के लिए या फिल्म बंधु के लिए हेल्पफुल हो सकता है। जी अनिल जी, राजू श्रीवास्तव हमारे बीच तो नहीं रहे, पर क्या आप उनके साथ कोई ऐसी मेमोरी शेयर करना चाहेंगे? देखिए, अब मैं ये बहुत ही अजीब बात होगी, ओशिवारा में एक गोल्ड जिम हुआ करता था जहाँ पे जो है सो हम अक्सर मिलते थे, वहीं पे हमारा ऑफिस था यहाँ मुंबई में। तो वो जब भी जो है सो अपने ये भी बहुत अनफॉर्चुनेट सी बात है कि उनकी जो है सो जो भी घटना घटी वो जिम में ही घटी, लेकिन वो हमेशा एक्टिव रहा करते थे और दोपहर हो या शाम हो वो हमेशा जिम जरूर जाया करते थे और अपने सेहत का ध्यान रखते थे। तो उनसे जब भी मुलाकात होती थी तो आम जिंदगी में वो बहुत ही सेंसिटिव व्यक्ति थे, जब भी बात होती थी तो बहुत सेंसिटिविटी से बात होती थी और बहुत ही सेंसिबल इंसान थे, लोगों के प्रति आसपास चीजों के प्रति जो तो बहुत ही सेंसिबल जो है सो हुआ करते थे। लेकिन और पर्दे पे आते ही उनका रूप जो है सो बदल जाता था, बिल्कुल जो है हंसने हंसाने वाले चीजों में लग जाते थे। पर्सनली जब भी उनसे मुलाकात होती थी तो वो लोगों के और सिचुएशन के बारे में बात करते थे, लेकिन उसमें भी उनका जो है खास एक फुट जो हमेशा बना रहता था। जी धन्यवाद अनिल जी प्राइम टीवी के साथ जुड़ने के लिए।
कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के निधन पर यशपाल शर्मा ने भी दुख जताया है, आइए दिखाते हैं आपको। बस 2 मिनट ही हुए हैं पता चला है राजू श्रीवास्तव जी के बारे में। मेरे लिए तो पहले स्टैंड अप कॉमेडियन रहे हैं, मेरे लिए क्या करोड़ों लोगों के लिए, और जिस तरीके से वो लोगों की मिमिक्री करते थे और हंसाते थे, आज वाकई वो सबको रुला कर चले गए। काफ़ी बार अवार्ड फंक्शन में और पार्टियों में हम मिले हैं, एक मुझे हमेशा हंसते हुए ही मिले हैं। मेरी तरफ से बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि, बस मैं यही कह सकता हूँ, थैंक यू सो मच। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव हमारे बीच नहीं रहे। बता दें 10 अगस्त को कार्डियक अरेस्ट के बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था। राजू श्रीवास्तव ने आज 58 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। बता दें कि जब वो दिल्ली के एक जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे तभी उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था। राजू श्रीवास्तव लगातार जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे, अफसोस वो जिंदगी की जंग हार गए। आज एम्स अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके निधन से पूरे फिल्मी जगत समेत पूरे देश में शोक की लहर है। बता दें 41 दिन से एम्स में भर्ती थे। बता दें राजू श्रीवास्तव की पत्नी, बेटा और बेटी दिल्ली एम्स पहुंच गए हैं। शव मिलने के बाद ही परिवार ये फैसला करेगा कि उनका अंतिम संस्कार कानपुर में किया जाएगा या मुंबई में। बता दें कि राजू श्रीवास्तव के निधन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव समेत तमाम बड़े नेताओं और फिल्मी जगत की हस्तियों ने राजू श्रीवास्तव के निधन पर शोक जताया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी राजू श्रीवास्तव के निधन पर शोक जताते हुए ट्वीट किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा है, राजू हमारे दिल में हमेशा रहेंगे, राजू हमें बहुत जल्द ही छोड़कर चले गए। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा है, कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के निधन पर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी राजू श्रीवास्तव के निधन पर शोक जताया है। राजू श्रीवास्तव के निधन पर शोक जताते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया है। साथ ही
दिल्ली के डिप्टी सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट कर शोक जताया है। कॉमेडी किंग के निधन पर हर कोई गमगीन है। वहीं परिवहन मंत्री दयाशंकर ने भी ट्वीट कर दुख जताया है। कॉमेडियन अनु अवस्थी ने राजू श्रीवास्तव के निधन पर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। राजू भैया का जाना कानपुर के लिए बहुत बड़ी क्षति है जो किसी भी तरह से पूरी नहीं करी जा सकती। राजू भैया ने जो कोर्स किया था उसकी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, वो अपने आप अंदर से निकलती है। राजू भैया ने कानपुर की एक एक गली, एक एक मोहल्ला, एक एक चबूतरा छाना, उसके बाद इतने बड़े कॉमेडियन भाई। इसमें वो नहीं है कि आप अपने लड़के को भेज दो कहीं और कोई उसको कॉमेडियन बना दे, हमारे पास कोई आबे मौका इतना लायक कर दे कि वो सबका हंसाए लगे। ये एक गॉड गिफ्टेड चीज़ थी उनके पास, इसीलिए शायद भगवान को थोड़ा घमंड हो गया कि हमारी चीज़ का ये इस्तेमाल कर रहे हैं और इतना मशहूर होते चले जा रहे हैं, तो इनको बुला लिया जाए। इतनी मतलब अमिताभ बच्चन जी के लिए इतनी पूजा अर्चना और वो सब हवन नहीं हुए थे जितने राजू भैया के लिए हुए। लगातार राजू श्रीवास्तव के निधन पर प्रतिक्रिया सामने आ रही है। हर कोई उनके निधन से गमगीन है, हर कोई उदास है। हर किसी के चेहरे पर स्माइल लाने वाले राजू श्रीवास्तव हमारे बीच नहीं है। बता दें राजू श्रीवास्तव का निधन 58 साल की उम्र में एम्स में हुआ। राजू श्रीवास्तव लंबे समय से जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे, अफसोस वो जिंदगी की जंग हार गए। फिल्मी जगत समेत पूरे देश के लिए एक बहुत ही दुखद भरी खबर है। हर कोई उनके निधन से राजू श्रीवास्तव के निधन पर हर कोई भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। हर कोई राजू श्रीवास्तव के निधन पर तमाम बड़े नेताओं और अभिनेताओं ने भी प्रतिक्रिया दी है। बता दें दिल का दौरा पड़ने के बाद दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था राजू श्रीवास्तव को, जहां उनका आज निधन हो गया। इस खबर से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव अपनी कॉमेडी से रोते हुए लोगों को भी हंसा दिया करते थे, लेकिन आज सबकी आंखों में आंसू देकर वह इस दुनिया से अलविदा कह गए हैं। देश के मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है। बता दें उनके निधन पर हर कोई प्रतिक्रिया दे रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर दुख जताया है। राजू हमेशा हमारे दिल में रहेंगे, पीएम मोदी ने कहा है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर दुख जाहिर किया है। लगातार सभी निधन पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं।
हर कोई राजू श्रीवास्तव के निधन से गमगीन है। कभी न पूरी होने वाली क्षति बता रहे हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर दुख जताया है। हर कोई परिवार के प्रति संवेदनाएं जता रहा है। हर कोई राजू श्रीवास्तव की आत्मा की शांति की दुआ कर रहा है। बता दें, लंबे समय से अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे राजू श्रीवास्तव। वहीं राजू श्रीवास्तव के निधन पर रवि किशन की प्रतिक्रिया सामने आई है, आपको सुनाते हैं। आज एक अपने भाई को खो दिया मैंने, राजू श्रीवास्तव जी को। सोचे नहीं थे कि इतने कम उम्र में चले जाएंगे। स्ट्रगल साथ किया हम लोगों ने, मुंबई शहर पहले बम्बई हुआ करता था तब का साथ रहा, 30 साल साथ में मकान खरीदा, हम लोगों के जीवन के स्ट्रगल साथ शुरू हुई थी और आगे हम लोग बढ़ते भी गए साथ। बिटिया से उनकी पिछले हफ्ते बात हुई थी कि कहाँ पापा वेंटिलेटर से ठीक होंगे और आँख खोल दी है, लेकिन ईश्वर की, ना शराब ना सिगरेट कुछ नहीं पीते थे, हेल्थ फ्रीक थे। ईश्वर की क्या मंशा कुछ पता नहीं है। जो एक खबर जो आई है इतनी शॉकिंग रही कि मैं बता नहीं सकता हूँ। एक ऐसे ऐसे व्यक्ति को खो दिया जिन्होंने स्टैंड अप कॉमेडियन को एक 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 सम्मान दिलवाया। सांसद रवि किशन का बयान सुना आपने, राजू श्रीवास्तव को लेकर दुख जाहिर कर रहे हैं। हर कोई परिवार के प्रति संवेदनाएं जता रहा है। हर कोई राजू श्रीवास्तव के निधन से दुखी है। हर किसी के चेहरे पर हंसी लाने वाले राजू श्रीवास्तव हमारे बीच नहीं है। बता दें, 41 दिन से दिल्ली के एम्स में लगातार जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे थे, आज वो जिंदगी की जंग हार गए। कानपुर से हम अनिल का रुख करेंगे। अनिल, कॉमेडियन किंग राजू श्रीवास्तव हमारे बीच नहीं रहे, ये एक बहुत बड़ी क्षति है। जी, मैं बता दूं कि कानपुर में राजू श्रीवास्तव कानपुर के, इनका कानपुर में जन्म हुआ और राजू श्रीवास्तव कानपुर का पूरे देश विदेश में नाम करने वाले एक राजू श्रीवास्तव ऐसे थे। लेकिन बता दूं आपको कि लगभग 58 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। और ये भी बताता चलूं कि लगभग पूरे कानपुर में और देश विदेश में और पूरे शहर में राजू श्रीवास्तव को लेकर कानपुर में अनिल, राजू श्रीवास्तव के निधन पर हर कोई प्रतिक्रिया दे रहा है, नेताओं से लेकर अभिनेताओं तक। जी, मैं बता दूं कि अभी अभी वर्तमान में ही रवि किशन ने और योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव ने राजू श्रीवास्तव जी को लेकर उनकी जो क्षति हुई है ये सब चीजें बताई हैं। और बता दूं कि राजू श्रीवास्तव लगभग 58 साल की। जी अनिल, राजू श्रीवास्तव का निधन एक बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ी दुखद खबर है। कानपुर में कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? कानपुर के लोग काफी इस चीज से उदास हैं और अभी वर्तमान अभी हमने अभी अनु अवस्थी से ही बात करनी चाहिए और अनु अवस्थी जो कि कॉमेडियन है उन्होंने भी बताया कि राजू श्रीवास्तव जिस प्रकार से भगवान ने इतना बड़ा कदम उठाया कि उनको जो कानपुर में लोगों को नहीं समझ में आ रहे थे इसलिए उन्होंने अपने पास बुला लिया क्योंकि भगवान को कहीं ना कहीं उनकी खुशी देखी नहीं गई। और अनु अवस्थी की बातों से लगा कि अनु अवस्थी भगवान से काफी रुष्ट थे। और ये भी बताता चलूं कि लगभग 42 दिन पहले अनु अवस्थी
राजू श्रीवास्तव जिम करते वक्त उनको हार्ट अटैक आ गया था और उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। तब से दिन प्रतिदिन उनकी स्थिति परिस्थिति में सुधार और कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ती गई। और इसके बाद तू चलो कि लगभग आज 41 दिन बाद उनका सुबह 10 बजे लगभग निधन हो गया और एम्स के डॉक्टरों ने जब इसकी आधिकारिक रूप से सूचना दी तब जाके इस चीज कंफर्म हो पाया कि राजू श्रीवास्तव की क्षति हो चुकी है, राजू श्रीवास्तव की मृत्यु हो चुकी है। इसके अलावा इससे पहले भी बहुत सी अफवाहें आती रही राजू श्रीवास्तव की मृत्यु को लेकर, लेकिन आज जो एक प्रशासन की तरफ से और हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से जो सूचना दी गई जिससे इस चीज कंफर्म हो पाई कि राजू श्रीवास्तव की क्षति हो गई है, जिससे कानपुर के लोगों में काफी दुख है। और इसके अलावा योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और बहुत से दिग्गज नेताओं और फिल्म जगत में लोगों ने इस चीज के दुख जताया है। जी धन्यवाद अनिल हमसे जुड़ने के लिए। ये एक बहुत बड़ी और दुखद खबर है, राजू श्रीवास्तव हमारे बीच नहीं रहे। फिल्मी जगत से लेकर पूरे देश के लिए ये एक बहुत बड़ी दुख की घड़ी है। हर कोई उनके निधन से दुखी है, हर कोई उनके निधन पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है, हर कोई उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, हर कोई उनकी आत्मा की शांति की दुआ कर रहा है। एक बार फिर आपको सुनाते हैं राजू श्रीवास्तव के निधन पर नेताओं और अभिनेताओं ने क्या प्रतिक्रिया दी है। उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में अपनी सराहनीय सेवा दिए थे, वे एक अच्छे कलाकार थे, जीवन पर्यंत अपनी पीड़ा को दबाते हुए बिना किसी भेदभाव के सबका मनोरंजन करते रहे। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं। मैं प्रदेशवासियों की ओर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं, शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं, ईश्वर उन्हें सदगति प्रदान करे यही प्रार्थना करता हूं। इससे हम सब बहुत ही दुखी हैं, हतप्रभ हैं। जब सदन में इस बात की सूचना मिली तो समस्त विधायकों में शोक की लहर छा गई। बहुत अच्छे अभिनेता थे, हास्य कलाकार थे, उन्होंने कभी भी अपने वीडियोज में और स्टेज शो में गाँव गवई भाषा को नहीं भूला। हमेशा उन्नाव, कानपुर, लखनऊ प्रदेश की बात को करते थे। जहाँ जहाँ हिंदी है वहाँ वहाँ राजू श्रीवास्तव जी का नाम रहेगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उन्हें अपने चरणों में स्थान दें और परिवार को, उनके अनुयायियों को, उनके समर्थकों को और जो उनको सुनने वाले, उनके चाहने वाले हैं, उनको इतनी ताकत प्रदान करें कि वो असहनीय पीड़ा को सह सकें। बहुत ही दुखद समाचार आज हम सबको सुबह सुबह मिला है। दुनिया को हंसाने वाला राजू श्रीवास्तव अपना भाई, जन जन का चहेता, एक राष्ट्रवादी व्यक्ति, हमेशा दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखने वाला राजू श्रीवास्तव भैया नहीं रहा। मुझे पता है ये समाचार देश में बहुत लोगों को व्यथित करेगा, मगर हम सभी जानते हैं काफी दिनों से वो अस्पताल में जीवन और मौत से जूझ रहे थे। आज एक अपने भाई को खो दिया मैंने, राजू श्रीवास्तव जी को। सोचे नहीं थे कि इतने कम उम्र में चले जाएंगे। स्ट्रगल साथ किया हम लोगों ने, मुंबई शहर पहले बम्बई हुआ करता था तब का साथ रहा 30 साल, साथ में मकान खरीदा, हम लोगों के जीवन का स्ट्रगल साथ शुरू हुई थी और आगे हम लोग बढ़ते भी गए साथ। बिटिया से उनकी पिछले हफ्ते बात हुई थी कि कहा पापा वेंटिलेटर से ठीक होंगे और आंख खोल दी है, लेकिन ईश्वर की ना शराब ना सिगरेट कुछ नहीं पीते थे, हेल्थ फ्रीक थे। ईश्वर की क्या मंशा कुछ पता नहीं है। जो एक खबर जो आई है इतनी शॉकिंग रही कि मैं बता नहीं सकता हूँ। एक ऐसे व्यक्ति को खो दिया जिन्होंने स्टैंड अप कॉमेडियन को एक सम्मान दिलवाया। ऐसे कॉमेडियन
और ऐसे हुनर के लोग कम पैदा होते हैं। मुझे याद है कि जब वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे और कानपुर से चुनाव लड़ना चाहते थे, बहुत ही साधारण व्यक्तित्व और ज़मीनी चीज़ों को पहचानना और समझना। बस दो मिनट ही हुए हैं, पता चला है राजू श्रीवास्तव जी के बारे में। मेरे लिए तो पहले स्टैंड अप कॉमेडियन रहे, मेरे लिए क्या करोड़ों लोगों के लिए, और जिस तरीके से वो लोगों की मिमिक्री करते थे और हंसाते थे, आज वाकई वो सबको रुला कर चले गए। काफ़ी बार अवार्ड फंक्शन में और पार्टियों में हम मिले हैं, एक मुझे हमेशा हंसते हुए ही मिले हैं। मेरी तरफ से बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि, बस मैं यही कह सकता हूँ, थैंक यू सो मच। राजू भैया का जाना कानपुर के लिए बहुत बड़ी क्षति है, जो किसी भी तरह से पूरी नहीं करी जा सकती। राजू भैया ने जो कोर्स किया था उसकी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, वो अपने आप अंदर से निकलती है। राजू भैया ने कानपुर की एक एक गली, एक एक मोहल्ला, एक एक चबूतरा छाना, उसके बाद इतने बड़े कॉमेडियन भए। इसमें वो नहीं है कि आप अपने लड़के को भेज दो कहीं और कोई उसको कॉमेडियन बना दे, हमारे पास कोई आबे मौका इतना लायक कर दे कि वो सबका हंसाए लगे। ये एक गॉड गिफ्टेड चीज़ थी उनके पास, इसीलिए शायद भगवान को थोड़ा घमंड हो गया कि हमारी चीज़ का ये इस्तेमाल कर रहे हैं और इतना मशहूर होते चले जा रहे हैं, तो इनको बुला लिया जाए। इतनी मतलब अमिताभ बच्चन जी के लिए इतनी पूजा अर्चना और वो सब हवन नहीं हुए थे जितने राजू भैया के लिए हुए। तो ये आपने सुना नेताओं और अभिनेताओं की प्रतिक्रिया। अब आपको दिखाते हैं राजू श्रीवास्तव के निधन पर किन किन लोगों ने ट्वीट कर दुख जताया।
राजू श्रीवास्तव के निधन पर कैलाश खेर की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है, आइए आपको सुनाते हैं। अनेक प्रार्थनाओं के बाद, अनेक अनुष्ठान और यज्ञों के बाद भी राजू श्रीवास्तव हमारे पारिवारिक मित्र और बड़े भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे और उनका देहावसान हो गया है। सभी जगत के लोगों को मैं नमन करता हूँ प्रार्थनाओं के लिए। और अब हमारे परिवार पर जो ये एक विपदा आई है, इसके लिए भी आप सबसे अनुग्रह है कि हे मेरे ईश्वर, इस परिवार को शक्ति दे, ये संबल दे ये दुख सहन करने की, और हमारे राजू भैया की आत्मा को सदगति मिले, यही मेरे ईश्वर से प्रार्थना है। हरिओम नमो शांति। रहे थे जिन्होंने निधन पर दुख जताया है, हर कोई राजू श्रीवास्तव के निधन पर दुख जता रहा है, हर कोई निधन से दुखी है। के मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को बुधवार को दिल का दौरा पड़ने के बाद दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां आज उनका निधन हो गया। इस दुखद खबर से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव अपनी कॉमेडी से रोते हुए को भी हंसा देते थे, लेकिन आज सबकी आंखों में आंसू देकर वह दुनिया को अलविदा कह गए हैं। बता दें, 10 अगस्त को कार्डियक अरेस्ट के बाद एम्स में राजू श्रीवास्तव को भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने आज 58 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। बता दें कि जब वो दिल्ली के एक जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे, तब उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उन्हें एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां लगातार उनका इलाज चल रहा था। लगातार डॉक्टर उनके स्वास्थ्य के बेहतरी के लिए लगे हुए थे, लेकिन अफसोस, आज वो अपनी जिंदगी की जंग हार गए। आज हमारे बीच राजू श्रीवास्तव नहीं है। बता दें, राजू श्रीवास्तव का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में 25 दिसंबर 1963 को हुआ था। बचपन में उनका नाम सत्य प्रकाश श्रीवास्तव था। राजू को बचपन से ही मिमिक्री और कॉमेडी का बहुत शौक था। राजू को कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से पहचान मिली थी। इस शो से मिली सक्सेस के बाद राजू ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। राजू श्रीवास्तव ने 1993 में शिखा श्रीवास्तव से शादी की। उनके दो बच्चे हैं। बता दें, राजू श्रीवास्तव ने राजनीति में भी अपना हाथ आजमाया। उन्हें 2014 में कानपुर से लोकसभा चुनाव के लिए सपा से टिकट मिला था, लेकिन उन्होंने बाद में चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, जिसके बाद वे चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए। पीएम मोदी ने उन्हें स्वच्छ भारत अभियान में नामांकित किया था। इसके बाद उन्होंने स्वच्छता को लेकर विभिन्न शहरों में चलाए गए अभियानों में भी हिस्सा लिया। राजू श्रीवास्तव को 2019 में यूपी फिल्म विकास परिषद का अध्यक्ष भी बनाया गया था। बता दें, राजू श्रीवास्तव अपनी फिटनेस का काफी ध्यान रखते थे। राजू जिम में वर्कआउट को मिस नहीं करते थे। वे सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव थे और हमेशा फैंस को हंसाना ही उनका मकसद होता था। उनके इंस्टा अकाउंट पर कई फनी और मज़ेदार वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी। राजू श्रीवास्तव अब इन्हीं कॉमिक वीडियोस के जरिए फैंस की यादों में बने रहेंगे। राजू अपने पीछे पत्नी और दो बच्चों को छोड़ गए हैं। बता दें, राजू श्रीवास्तव के निधन पर
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, साथ ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव समेत तमाम बड़े नेताओं और फिल्मी जगत की हस्तियों ने राजू श्रीवास्तव के निधन पर शोक जताया है। हर कोई उनके निधन से दुखी है, हर कोई प्रतिक्रिया दे रहा है, हर कोई उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना कर रहा है। साथ ही बता दें, राजू श्रीवास्तव की पत्नी, बेटा और बेटी दिल्ली एम्स पहुंच गए हैं। शव मिलने के बाद ही परिवार ये फैसला करेगा कि उनका अंतिम संस्कार कानपुर में किया जाएगा या मुंबई में।
कॉमेडी की दुनिया के सबसे फेमस और इंडिया के बेस्ट कॉमेडियन में एक राजू श्रीवास्तव अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने आज दिल्ली के एम्स में आखिरी सांस ली। 10 अगस्त को जिम में वर्कआउट करने के दौरान राजू श्रीवास्तव को हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें तुरंत दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। जिंदगी और मौत के बीच 42 दिनों की लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आज कॉमेडियन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का कल यानी गुरुवार को दिल्ली में ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक कल सुबह उनका अंतिम संस्कार होगा। राजू के चाहने वाले इस वक्त बेहद दुखी हैं। कई सालों तक उन्होंने फैंस को हंसाया, गुदगुदाया और लोगों को हर गम को कुछ पल के लिए सही दूर करने का काम किया। बता दें कि हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के बाद से ही राजू श्रीवास्तव की हालत नाजुक बनी हुई थी। कॉमेडियन को पहले आईसीयू में एडमिट करवाया गया था, लेकिन तबीयत में सुधार ना होने के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया था। भरपूर कोशिश के बाद भी डॉक्टर्स राजू श्रीवास्तव को नहीं बचा पाए और सबको हंसाने वाले कॉमेडियन सबको रुला कर हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। बता दें राजू श्रीवास्तव ने यूं तो 80 के दशक में मनोरंजन की दुनिया में संघर्ष करना शुरू कर दिया था, लेकिन उनको अपने टैलेंट के हिसाब से पहचान नहीं मिल पा रही थी। हालांकि इस दौरान राजू श्रीवास्तव ने बॉलीवुड के सुपरस्टार अनिल कपूर की फिल्म तेजाब में हिंदी सिनेमा जगत में राजू श्रीवास्तव जी एक बहुत अच्छे कलाकार थे और उनका जाना एक कला जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें सदगति प्राप्त हो। वे एक अच्छे कलाकार थे, हास्य कलाकार थे और दुनिया को हंसाते हंसाते वो चले गए हैं। मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। देखिए राजू श्रीवास्तव जी एक तो मूलतः उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और उनके निधन से पूरी पार्टी शोक में है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम सभी लोगों ने दुख व्यक्त किया है। और वास्तव में आप देखिए कि एक ऐसा कलाकार जिसने घर घर हास्य पहुंचाया हो और बड़े बड़े नेताओं के सामने जब वो मिमिक्री करते थे तो कोई कुछ बोलता नहीं। अनेक प्रार्थनाओं के बाद, अनेक अनुष्ठान और यज्ञों के बाद भी राजू श्रीवास्तव हमारे पारिवारिक मित्र और बड़े भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे और उनका देहावसान हो गया है। सभी जगत के लोगों को मैं नमन करता हूं प्रार्थनाओं के लिए। और अब हमारे परिवार पर जो ये एक विपदा आई है, इसके लिए भी आप सबसे अनुग्रह है कि हे मेरे ईश्वर, इस परिवार को शक्ति दे, ये संबल दे ये दुख सहन करने की, और हमारे राजू भैया की आत्मा को सदगति मिले, यही मेरे ईश्वर से प्रार्थना है। हरिओम, नमो शांति।
विधानसभा सत्र के दौरान राजू श्रीवास्तव के निधन पर 2 मिनट का मौन रखा गया। दिनांक 21 सितंबर 2022 को निधन हो गया। द किंग ऑफ कॉमेडी से विख्यात श्री राजू श्रीवास्तव को 10 अगस्त 2022 को दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था। तब से वो अस्पताल में ही भर्ती थे, उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो रहा था। श्री राजू श्रीवास्तव का जन्म 25 दिसंबर 1963 को कानपुर के एक मध्यम वर्ग परिवार में हुआ था। उनका वास्तविक नाम सत्य प्रकाश श्रीवास्तव था। उनके पिता भी एक जाने माने कवि थे। प्रारंभिक शिक्षा कानपुर से प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने हास्य कला के क्षेत्र में अपने कैरियर की शुरुआत की। उन्होंने अनेक फिल्मों में बड़े कलाकारों के साथ तथा अनेक टीवी कार्यक्रमों में धारावाहिकों के काम किया और अपने अभिनय की छाप दर्शकों में छोड़ी। वर्ष 2005 में उन्होंने टीवी शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैनल में भाग लिया और अपनी हास्य कला और प्रतिभा से आम जनमानस में लोकप्रिय हो गए। हास्य प्रतिस्पर्धाओं एवं स्टैंड अप कॉमेडी चैलेंज में हिस्सा लिया और जीत हासिल कर द किंग ऑफ कॉमेडी का खिताब हासिल किया। वो अपनी हास्य कला से लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला देते थे। वर्ष 2014 के पश्चात माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से प्रभावित होकर वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान का वो हिस्सा भी रहे। उत्तर प्रदेश फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल के वो चेयरमैन भी थे। श्री राजू श्रीवास्तव के निधन से आज कला जगत में एक दुख का माहौल है। उनके निधन से कला जगत में जो शून्यता आई है, उसकी कमी सदैव खलती रहेगी। उनके निधन से यह सदन शोकाकुल है। हम इस सदन की ओर से दिवंगत आत्मा को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तथा उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिवार के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। अब हम सारे माननीय भूतपूर्व सदस्यों को, जिनकी मैंने यहाँ पर शोक सूचनाएँ पढ़ी हैं, एवं श्री राजू श्रीवास्तव जी के जो जीवन परिचय मैंने दिए, सदन 2 मिनट मौन खड़ा होकर उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करेंगे। ओम शांति। वक्तव्य हमारे विभाग के ऊपर दिया था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें कुछ बातें कही थी, लेकिन पूरा वक्तव्य नहीं आ पाया था आंकड़ों के साथ। मैं उस संबंध में कुछ कहना चाहता हूँ। विधानसभा से आपको लाइव दिखा रहे थे, जहां 2 मिनट का मौन रखा गया है, वहीं राजू श्रीवास्तव के निधन पर हर तरफ से, हर जगह से प्रतिक्रिया सामने आ रही है। हर कोई राजू श्रीवास्तव के निधन पर गमगीन है, हर कोई दुखी है। राजू श्रीवास्तव के निधन से फिल्मी जगत समेत पूरे देश में शोक की लहर है।